हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल ऑलराउंड में। आज हम लोग बनाने वाले हैं मेरा फेवरेट गुलाब जामुन। चलिए बनाते हैं। और गाइस देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी पहले तो ये हम लोग गुलाब जामुन का एक काट लेते हैं। वो ये पूरा आटा है गाइस, इसमें बिल्कुल रोटी की तरह हमें कलाना पड़ता है। देखिए गुलाब जामुन का MTR का है। और दूध भी डालते हैं, दूध डाल के कलाना है इसलिए तभी टेस्ट आता है। अच्छे से कला लेते हैं इसे। वैसे तो हमारा गुलाब जामुन बहुत टेस्टी होने वाला है। ये कलाते कलाते हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, तब तक कल जाएगा। और जब तक वो कलाते हैं, ये हम लोग ने बना लिया है शुगर सिरप है। और हमें पानी में शक्कर डाल के चूल्हे पे रख देना है। तो फिर ये अच्छे से ऐसे ही रख गए हैं, तो फिर अच्छे येल्लो कलर का हो जाए तब रेडी हो जाता है एकदम टेस्ट। हाँ बहुत अच्छी बात आ रही है। तब तक हम लोग वापस चलते हैं। ये आ गया है, ये थोड़ा अच्छे से थोड़ा थिक हो गया है। ओके आउट, ये पता नहीं क्या आवाज है मतलब। और इसमें घी भी डाल रहे हैं, वाव। और आया ही नहीं स्पून में, थोड़ा सा पानी भी डाल लेते हैं। ओह अच्छा व्हाइट कलर हो गया, मतलब अच्छा आटे जैसा ही हो गया। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो अब इसे टेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इसके ऊपर कपड़ा उड़ा देते हैं, ठीक है। अब इसलिए 5 मिनट बाद ही हमको इसे खोलना है, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ गाइस। यहाँ पर हमने गोले भी बना के रखा है। ये एक अजीब सा शेप भी आया है, मगर ये भी बहुत अच्छा शेप है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये आटा है, और हमें ये घी को अपने हाथ में ऐसे ऐसे कर लेने का है, इसलिए मतलब अच्छा सा शेप आता है। और तेल तेल मतलब ऐसा अच्छा रहता है। एक ये ऐसे ज़्यादा ही है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा शेप अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे। बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं आपको गाइस। ये बन के रेडी हो चुके हैं बहुत सारे। देखिए गाइस, ये ज्यादा है और ये वाला कम है, कोई बात नहीं। पर ये छोटे छोटे हैं, अप कर खा सकते हैं। और इसे तलना पड़ता है इसलिए। और ये है हमारा, इसके अंदर हम लोग डालेंगे तो उससे मीठा होता है, वैसे तो वो खट्टा ही होता है। तो ज्यादा घी से ही करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अच्छे से गोल आता है। देखिए हमने तो पहले एक पाउडर से शुरुआत की थी और ये कैसे हुआ देखिए। और अभी तो और बाकी है गाइस। और ये नीचे आ चुका है दूसरे इसमें। वो बहुत ज्यादा गर्म है गाइस। हमारा पैन रेडी हो चुका है और यहाँ पर तेल डाल रहे हैं। और यहाँ पर तेल डल चुका है। और ये भी है, और ये हमें तलना है। उसके बाद हम लोग इसे इसमें डालना है। तो पहले ठंडा होने देते हैं, बहुत ज्यादा गर्म है। आउच। और इस वो घी डुबा के इसमें थोड़ा थोड़ा सा, मतलब क्या कर रहा है। हम एक गुलाब जामुन तलने डाल चुके हैं और हमारी कढ़ाई भी शिफ्ट हो चुकी है। वो मस्त दिख रहे हैं ना गाइस। ये ब्राउन हो रहे हैं, इससे ब्राउन होते हैं। ये व्हाइट से ब्राउन हो चुके हैं गाइस।
कौन सा भी ऑयल यूज कर। तो गाइस इसमें हम लोग कौन सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं और ध्यान से ये करना पकाना, सिर्फ अपने एल्डर्स को ही बोलना। और गाइस ये देखिए सिम में ही रख के पकाना इसे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाके लाइक का बटन ने स्मैश कर दो यार उसे। और अगर आप घी का नहीं तो फिर और अच्छे से ये ब्राउन होगा और अंदर से सब कुछ अच्छे से पक जाएगा गाइस। और कितना ज्यादा ब्राउन हो चुका है गाइस ऑलरेडी, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है देखते ही। ओके मैं पकने के बाद दिखाता हूँ। अगर हम लोग इसे सिम में रखते हैं ना तो फिर अंदर तक पकता है, मतलब आपको तो पता ही होगा बहुत ज्यादा हाँ कच्चा नहीं होता है और बहुत टेस्टी भी रहता है। और ये सारे गोल गोल ही है वो वाले अभी तक वहीं पर है। ओके तो फिर गाइस हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, इसे खोल के और चलो देखते हैं वो हमारे गुलाब जामुन अंदर जाके जैसे ही है और पका रहे हैं। वो हमारे गुलाब जामुन रसीले हो रहे हैं गाइस, और तलने डालते हैं उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। तो फिर गाइस चलिए देखते हैं, थोड़ी देर बाद ही आया हूँ। बहुत सारे आ गए और देखिए गाइस क्या अच्छा आ रहा है। और देखिए गाइस अगर आपको इसमें ज्यादा मतलब इतना रस चाहिए बहुत ज्यादा, आधा घंटा इसमें रखने दीजिए और पक रहे हैं अभी तक। वाओ और अभी बाकी भी है। मेरा हाथ बहुत गरम गरम है। ठीक है सारे पकने के बाद मैं बताऊँ। ठीक है गाइस देखे कितना अच्छा शेप आ गई, सारे पक के रेडी हो चुके, बहुत टेस्ट पाई था, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही। देखे कितने अच्छे ज्यादा शेप आए हैं और ये माउस जैसे वो और अच्छे हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। देखिए गाइस बिल्कुल माउस जैसे है मगर यार। गाइस ये रेडी हो चुके, मैं अब ट्राई करने वाला हूँ। गाइस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये गाइस, देखिए ऐसे मतलब मक्खन जैसे टूट रहे हैं, ऐसे मक्खन टूटता नहीं है। वो गाइस ये बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस, आप जल्दी से जाके बना के ट्राई कीजिए। मैंने तो ट्राई कर लिया है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। देखिए एकदम सॉफ्ट और एकदम ब्राउन कलर का है गाइस, बिल्कुल होटल की गुलाब जामुन जैसे। मुझे रोक नहीं सकता मैं आपको। आज के लिए बस इतना ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।